This video could be the most important video you watch about growing your height. I'll tell you why. Well, first of all, देखो ये वीडियो मैंने ही बनाई है तो मुझे पता। But genuinely, देखो, let me make this very clear at the start itself. आपकी एज चाहे 16 हो, 18 हो, 20 हो या even 22 हो, आप still अपनी हाइट को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो. You just have to put in some effort consistently, but more importantly, in the right direction. And this video is going to be a perfect guide. क्योंकि इसमें मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि छह हाइट बढ़ाने के मतलब देने वाला हूँ, ताकि मान लो आप एक तो नहीं भी वर्क करते, क्योंकि everyone is different, किसी को नहीं पता किस पे क्या वर्क करेगा. बट मान लो आप पे एक तो नहीं वर्क करते, तो तब भी ऐसे चार और मेथड्स होंगे जो आप पे वर्क भी करेंगे और एक्सीलेंट रिजल्ट भी देंगे. दैट इज वाई आई कॉल दिस कम्प्लीटली फूलप्रूफ. दैट वॉज इन जस्ट अ क्लिकबेट. नाउ लेट्स गो. नाउ ये जो सब पॉइंट्स हैं, मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम रिसर्च बट फ्रॉम माई वेरी ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं वो भी आपको बताऊँगा. बट आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आप अपनी हाइट में कुछ कर ही नहीं सकते, यू ग्रो अंटिल योर जेनेटिक्स अलाउ एंड दैट्स इट. कोई एक्सरसाइजेस, कोई स्ट्रेचेस आपकी हाइट नहीं इंक्रीज कर सकती. बट जब मेरी खुद की हाइट इन्हीं से बढ़ी है, तो आई एल नॉट लिसन अदरवाइज, आई एल एडवर्टाइज व्हाट आई बिलीव है. और कुछ इंचेस ही नहीं, लोग अपना जेनेटिक बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक भी कर देते हैं. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर. तो सबसे पहले लेट्स क्लियर द एयर अराउंड जेनेटिक्स. कितना मैटर करते हैं, कैसे मैटर करते हैं, एंड कैन यू एक्चुअली ब्रेक द बैरियर ऑफ जेनेटिक्स. तो देखो, 60-80% ऑफ आर हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, विच ऑब्वियसली डिफर्स. किसी की 60 करेगी, किसी की 70 या 80 करेगी, बट दैट्स द जनरल रेंज. नाउ ये अच्छा खासा प्रोपोर्शन है, बट दे स्टिल 20-40% जो आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते. सो आपकी जेनेटिक हाइट कैलकुलेट करने के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, और मैं आपको सबसे कॉमन मेथड से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मेरी जेनेटिक हाइट कितनी होनी चाहिए और मेरी एक्चुअली कितनी अभी आई. हियर लाइज द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इनफो. सो आई नीड टू ऐड द हाइट ऑफ योर पेरेंट्स इन इंचेस. तो मेरे केस में इट्स 5'1" and 5'9" व्हिच गिव्स मी 10 feet 10 inches. एंड एज अ गाय आई विल ऐड 5 inches टू इट, एंड इफ यू आर अ गर्ल सबट्रैक्ट 5 inches टू इट. तो 10 feet 10 plus 5 गिव्स मी 11 feet 3 inches डिवाइडेड बाय 2 व्हिच गिव्स मी फाइनली 5 feet 7.5 inches. दैट इज माय जेनेटिक हाइट. ये मेरी जेनेटिक हाइट होनी चाहिए, ठीक है. नाउ अभी मैं 5 feet 11 inches हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 inches का डिफरेंस है. दिस इज वॉट दैट 20-40% कैन डू. विच टेक्स अस टू हाउ. तो पहला फैक्टर है आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, विच प्लेज द बिगेस्ट रोल आफ्टर जेनेटिक्स. तो हाइट बढ़ती कैसे, आई विल नॉट गो डीप इन द साइंस, आपको भी बोरिंग लगेगा. आई विल जस्ट कंप्रेस एवरीथिंग और आपको एक ईजी वे बताता हूँ. तो बेसिकली इट्स आर बोन्स दैट ग्रो. सो हमारी बोन्स के एंड में एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट्स होती है. नाम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट ग्रोथ प्लेट्स जो मल्टीप्लाई होती है और उससे हमारी बोन्स एलोंगेट होती है, ठीक है. नाउ व्हाट आर बोन्स मेड ऑफ, कैल्शियम, राइट. सो सबसे पहला पॉइंट है ऐड कैल्शियम टू योर डाइट. नाउ दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, बट इंस्टेड ऑफ काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, हाइट इंक्रीज करने के लिए इट्स प्रेफरेबल टू कंज्यूम कैमल मिल्क. नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई. तो जैसे बफेलो मिल्क पहलवानों के लिए अच्छा होता है या काउ मिल्क आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है, वैसे ही कैमल मिल्क हैज बीन आयुर्वेदिकली प्रूवन न्यूमरस टाइम्स टू बी द बेस्ट फॉर हाइट ग्रोथ. एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऊंट लंबे होते हैं, बट बिकॉज इट कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स, जिससे आपको और भी फायदे होंगे. बट स्पेसिफिकली इट स्टिम्युलेट्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग योर ग्रोथ हार्मोन, जो बेसिकली जिसपे पूरी तरीके से आपके हाइट ग्रोथ डिपेंडेड है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो प्रोडक्शन होता है वो प्यूबर्टी में पीक करता है एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइन. बट इससे आप उसका प्रोडक्शन एक्चुअली कुछ टाइम इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपकी हाइट और ग्रो हो सकती है. नाउ दिस ऑब्वियसली माइट नॉट वर्क फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू, बट इट्स वर्थ एवरी लास्ट शॉट. कैमल मिल्क आपको पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा. उसमें आप एक चम्मच अश्वगंधा भी डाल लो, उसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगेन ह्यूजली बेनिफिशियल. अनदर थिंग जिसे आयुर्वेद में हाइट बढ़ाने के लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव बताया गया है, दैट इज बैम्बू और बांस का मुरब्बा. आप इसे सुबह खाली पेट खा सकते हो. आपने बांस का पेड़ तो देखा ही होगा और उसका मेन फीचर ही यही है कि वो लंबा होता है. अदर देन दीज, आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करो, चिकन, अंडे, फिश, अगर आप नॉनवेज खाते हो, एंड नहीं खाते तो सोया हो गया, पनीर, चने, बहुत सोर्सेज हैं. और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने वेज प्रोटीन सोर्सेज पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो. एंड अगर आप सही में सीरियस हो हाइट बढ़ाने के लिए, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से जितना हो सके उतना दूर हट जाओ. बहुत रिसर्च से प्रूव कर चुकी है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है,
एंड स्मोकिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन योर ब्लड, जिससे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते एंड योर बॉडी माइट नॉट बी एप्रोप्रिएटली नरिश्ड. इनके अलावा अवॉइड जंक एंड एक्सेसिवली ऑयली फूड जितना ज्यादा हो सके, दे इंटरफियर विद द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एक ऐसा फैक्टर जिसके बारे में ना तो ज्यादा लोगों को पता है ना ही लोग ज्यादा इसके बारे में बात करते हैं, बट इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर ग्रोथ, दैट इज योर रेस्ट एंड स्लीप. एक बात सबसे पहले माइंड में बिठा लो, द बॉडी ग्रोज द मोस्ट व्हेन यू स्लीपिंग. अभी हमने ग्रोथ हार्मोन की बात करी, मेजर ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन यू स्लीप. इसलिए आपकी स्लीप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ग्रोथ. आप बहुत लोगों से सुनते भी होंगे कि अच्छी रात की नींद लो, इतने घंटे सोना चाहिए. इट्स ऑल ट्रू. सो हियर्स अ चार्ट शोइंग आपको एज वाइज कितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है. नोटिस हाउ इट नेवर गोज बिलो 7 आवर्स. आपको कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए. कभी कभी चलता है व्हेन यू हैव एग्जाम्स और सम वर्क, बट अदरवाइज यू शुड स्टिक टू दैट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप, व्हाट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप. खाना खाती सो जाना या फिर सोने से 1 सेकंड पहले तक भी स्क्रीन देखते रहना, ऑल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड अल्टीमेटली स्टंट योर ग्रोथ. तो जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स एंड बिलीव मी, अपना स्लीप शेड्यूल सही करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. और नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेचिंग एंड योगा. ऐसे बहुत से स्ट्रेचेस और योगा पोजिशन हैं जिनसे लोगों की इवन आफ्टर 20-21 ईयर्स ऑफ एज 1 से 2 इंच हाइट इंक्रीज हुई है, इंक्लूडिंग मी. मैंने पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करी थी. स्ट्रेचिंग से एंड न्यूट्रिशनल चेंजेस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था. तो जो मेन स्ट्रेचेज है जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे एंड जो मैंने खुद भी किए थे, वो है फर्स्ट इज ताड़ासन, ये बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा. देन साइड स्ट्रेचेस, मूविंग ऑन टू टो टचेस. आपको अपर और लोअर बॉडी दोनों पे इक्वल एफर्ट मारना. देन जस्ट अ डेड हैंग फ्रॉम द बार एंड आई सेव द बेस्ट फॉर द एंड, जो मैंने भी सबसे ज़्यादा किया था एंड इट विल गिव द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट रिजल्ट. दैट इज, आप एक पेंसिल लो और अपने टोस पे खड़े होकर दीवार पे एक लाइन मार्क करो वेर यू कैन नॉट रीच विदाउट अ पेंसिल. अब मार्कर से मत बना एंड इन स्ट्रेच करके ट्राई टू रीच इट एवरी डे. डू इट फ्रॉम बोथ साइड्स, वरना एक साइड से हाइट बढ़ जाएगी, थोड़ा अजीब तो लगेगा. नाउ अनदर थिंग जो कि 20 की एज के बाद हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है इन एडिशन टू इट्स काउंटलेस अदर बेनिफिट्स इज योगा. नाउ माइंड मी, ये जो मैं पोजेज आपको बताने वाला हूँ ये शुरू में काफ़ी डिफिकल्ट भी होंगे एंड इनमें काफ़ी पेन भी होगा, बट इवेंचुअली यू विल अडैप्ट इनटू देम एंड बिलीव मी देयर आर लाइफ चेंज. सो जो पोजेज आपको परफॉर्म करने हैं वो है, फर्स्ट इज धनुरासन, वन ऑफ द डिफिकल्ट वंस. फिर पश्चिमोत्तमासन, यू हैव टू टच योर फोरहेड टू योर नीज, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करो. देन सर्वांगासन, मंडुकासन, देन बकासन और द फ्रॉग स्टैंड, भुजंगासन एंड लास्टली बटरफ्लाई पोज. आप सब में ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो, टाइम दो एंड यू स्टार्ट डूइंग इट. अच्छा, वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप सही में सीरियस हो 20-21 की एज के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, तो अगर आप जिम जा रहे हो या मसल पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पॉज दैट फॉर 3-4 मंथ्स. सबसे पहले अपनी हाइट निकालो, उस पर पूरा फोकस डालो एंड डू ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू. क्योंकि जिम आप बाद में भी रिज्यूम कर सकते हो, बट पहले अपनी हाइट निकाल लो इफ़ यू आर एक्चुअली डिटरमिन्ड टू डू दैट. एंड ऑल्सो ये जो पोजेज मैंने आपको बताया, दे विल नॉट जस्ट हेल्प यू इंक्रीज योर हाइट, बट विल ऑल्सो गिव यू दैट मस्कुलर लीन लुक जो सबको चाहिए होता है. सो इन स्ट्रेचेज और योगा पोजिशन से आपकी स्केलेटल हाइट नहीं इंक्रीज होगी, योर बोन्स वोंट इलोंगेट, बट अगेन दे कैन स्टिम्युलेट योर ग्रोथ हार्मोन. प्लस इनसे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड योर मसल्स, योर स्पाइन विल बिकम स्ट्रेस फ्री, दे विल डीकम्प्रेस, जिससे यू लुक टॉलर, विच इन मेनी केसेस कैन बी इवन मोर देन एन इंच. एंड टॉकिंग अबाउट लुकिंग टॉलर, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपका लंबा दिखने में हेल्प कर सकता है इज योर पोस्चर. स्लाउचिंग एंड बेंडिंग योर बैक, बेंडिंग योर नीज कैन मेक यू लुक एज मच एज 2-3 inches shorter than you actually are. So always stand with the spine straight, your shoulders back and your chest out. इससे लंबे तो दिखोगे, but this will also make you look and feel more confident. So आपका way of living एक ऐसा factor है which is targeted more towards people जो अभी below 17-18 है या for girls below 16. Basically जो still अभी अपने growing curve में with all those hormones flying around and excessive energy and all that. Now this can also benefit people above 20. बट नॉट एज मच, मैं आपको फालतू एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा, बट और भी बहुत बेनिफिट्स हैं सारी एज ग्रुप्स के लिए. सो आई थिंक यू शुड स्टिल वॉच इट. व्हाट आई मीन बाय वे ऑफ लिविंग इज, एक अर्ली एज से ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना.
get involved in sports like swimming, basketball or any other sport for that matter as soon as you can. Skipping, sprinting, ये सब भी आपकी height बढ़ाने के लिए helpful. So basketball players को तो आपने देखा ही होगा, किसी को भी उठा लो, 6-7 feet लंबे होते हैं and some like Anthony Davis have totally shattered their genetic barriers. या फिर basketball नहीं तो take the example of Pathan brothers, same thing. But why does this happen? और क्या ये सबके लिए true होगा? So what happens is your body overcompensates for stuff. जैसे basketball में आप रोज ऊंची jump ले रहे हो to reach the hoop or block or anything. But आप रोज वही चीज़ कर रहे हो तो उससे आपकी muscles तो stretch हो ही रही हैं but आपकी body को समझ आने लग जाता है that it will have to grow taller ताकि आप उस height तक reach कर लो. इट्स जस्ट लाइक आप रोज एक 10 kg का डंबल उठा रहे हो, आपसे चाहे 2 or 4 reps हो रहे हैं बट आप रोज जाके उसको उठा रहे हो, एक टाइम बाद आपकी मसल्स को भी समझ आने लग जाएगा कि ये तो नहीं मानेगा, हमें ही और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमें ही ग्रो होना पड़ेगा ताकि आप उतना वेट उठा सको एंड इवन मोर. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अप स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज एट एन अर्ली एज. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आप लक के कुछ टाइम इन मेथड्स को फॉलो करो. मैं ये नहीं कह रहा कि सब पे सब कुछ वर्क करेगा बट इट्स लाइक आप अंधेरे पे तीर चला रहे हो बट जिस तरफ आप तीर चला रहे हो वहाँ पे टारगेट्स ही टारगेट्स हैं, तो लगना तो है ही. बस यही कहना था. बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोज आती रहेंगी. और कमेंट्स में आप अपना प्रोग्रेस पोस्ट कर सकते हो, मेरे को टॉपिक्स बता सकते हो और आपको किस पे वीडियो चाहिए. गुड बाय.